हाँ तो हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज है मंडे, तो आज से हम एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि रहेगा पूरा हमारा स्टोरी टाइम की वीडियो। स्टोरी टाइम मतलब ठीक है ना। तो अगर इस वीडियो पर मुझको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आपको ऐसे ही हर हफ्ते मेरी स्टोरी टाइम की वीडियो मिलेगी। तो मैं आपको एक हादसा बताता हूँ जो मेरे साथ तो नहीं है, परंतु जो मेरी बहन है उसके साथ हुआ था। ये हुआ था शायद मैं परसों ही हुआ था। तो परसों मतलब कि 2 तारीख को हुआ था। तो आइए पहले शुरू तो कर देते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो भैया हुआ कुछ ऐसा था कि क्या कहते हैं वो, हाँ कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो ऐसी ही मेरी बहन जा रही थी पढ़ाने के लिए, लिफ्ट में जा रही थी पढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि चलो पढ़ा दिया, गए आराम से, कुछ नहीं। और उस दिन बारिश भी बहुत पड़ रही थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो क्या हुआ कि तो वैसे ये पढ़ाती है 18th floor पर, मतलब जो 18 मंजिल होते हैं उस पर। तो जब वो उससे नीचे आ रही थी ना, तब तो नीचे आया था ना, तो उस समय क्या हुआ, जब वो 2nd floor पर आई लिफ्ट, तो जब 2nd floor पर आते ही एक ऐसा ही बहुत तगड़ा हादसा हुआ कि उस स्टेशन में पता नहीं आप लोग क्या करते। तो आप लोग बताइए कि उस स्टेशन में आप लोग क्या करते, मैं भी बताऊँगा आपको आगे। तो वो सिचुएशन बहुत ही जो था वो मेरी बहन को पैनिक कर सकता था, बहुत ज़्यादा पैनिक करता था और वो बहुत ज़्यादा घबरा सकती थी। लेकिन उसने मेरी बात सुनी थी कि इस सिचुएशन में कभी भी पैनिक नहीं होना है और बिल्कुल भी आराम से लेना है। और उस टाइम पे ये स्मार्टफोन नहीं था मेरी बहन के पास कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर क्या आपको दिखा सकते थे। तो चलो बता ही देता हूँ क्या था। तो जब वो 2nd floor पर आई लिफ्ट, सेकेंड से हमको फर्स्ट में जाना था, मुझे फर्स्ट में उतरना था। तो क्या हुआ कि सब सेकेंड और फर्स्ट के बीच में आ गई ऐसे, मतलब बीच में आ गई तो एकदम से लिफ्ट की लाइट चली गई। अब देखो कैसे क्या हुआ था, पता नहीं कुछ हुआ होगा फॉल्ट लाइट में। तो अब ऐसे मेरे को एकदम से लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, एकदम से दिल तक होने लगेगी और एकदम से आदमी पैनिक हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन में थी मेरी बहन, और उसके पास फ़ोन था और वहाँ डायल पैड भी था, मतलब कि जैसे कि माई बाई चांस कोई लिफ्ट बंद हो जाए तो वहाँ पे होता है डायल पैड, और वहाँ पर पर्ची भी लिखी हुई है। मैं जाऊँगा कभी आपको तो दिखाऊँगा वहाँ की, तो वहाँ पे पर्ची भी है और सब कुछ है, ठीक है ना, डायल पैड भी है। तो वहाँ पर सबका नंबर लिखे हुए हैं, लॉबी पॉबी के सबका नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर सबका नंबर लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे बस क्या करना था, उस पर नंबर देखना था और उस पर नंबर डायल करना था, और एक बटन होता है अलर्ट का बटन, उसको दबाना था। उस समय उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, कैसे क्यों उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करती, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो हुआ कुछ, तो उसमें फंसी गई। तो उसके मन में अजय ठोटा मिली गई कि मैंने मूवी में देखी ये सिचुएशन कि ऊपर से गेट खोल के निकल जाओ, वो जो ऊपर से होता है वो निकल के कैसे जाओ। तो एक्चुअली क्या करने लगे, अब वहाँ पर आके फंस गई थी। तो क्या हुआ, वो जो थी हाँ, तो वो हल्के हल्के नीचे आ रही थी, तो वो एकदम से 1st floor पर आकर रुक गई और उस पर लिखा हुआ आ गया, डिस्टर्ब कर दिया उसने ना, वहाँ पर लिखा हुआ आ गया 1st floor। तो 1st floor पर आई, तो 1st floor पर आ गई, तो क्या हुआ कि 1st floor पर वो आके रुक गई, लेकिन उसका गेट नहीं खुल रहा था, पता नहीं कहते कहते गेट नहीं खुल रहा था। तो इसने ऐसे करके गेट खोलने की कोशिश करी, भाई मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैं नहीं था वहाँ पर मेरी बहन ही थी। तो वो ऐसे करके खोली थी, तो ऐसे उसने करके बहुत दम लगाया और तब जाके इतना सा गेट खुला, तो वह उसमें से ऐसे ऐसे करके नहीं होता, ऐसे करके उसमें से ऐसे निकल गई थी। और जब वो बाहर निकली तो भाई आप भाग कर इससे देखते, किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि अंदर लिफ्ट में बंदा फंसा है चाहे कुछ भी नहीं पता, सब आराम से बैठे हुए हैं, और यहाँ तक कि गार्ड भैया भी आराम से बैठे हुए, उनको कुछ नहीं पता लिफ्ट का, उसने बताया तक नहीं। और उस सिचुएशन में अगर आप फंसते
तो आप क्या करते भाई? बस मैं आपसे एक बार कहूँगा, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन कभी लाइफ में होती है तो आप कभी भी पैनिक मत करना भाई, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी भी हो सकती है आपके साथ, तो उसमें बिल्कुल भी पैनिक मत करना भाई। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, बस इस सिचुएशन में पैनिक मत होना। और वहाँ पर डायल पर लगा होता है भाई, आप उस पर डायल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेता का अपना फ़ोन तो है ही, कार्ड नंबर तो होगा, उसको फ़ोन करके आप कह सकते हैं। तो बस ये थी मेरी स्टोरी टाइम की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना कि आप क्या करते इस सिचुएशन में। तो और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, अरे मेरा चैनल है ब्लॉग्स का। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ऐसी स्टोरी टाइम की वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि कल भी मेरे साथ एक हादसा हुआ था, वो मेरे साथ हुआ था हादसा, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो बस गुड बाय, तो गुड बाय।